जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 3 में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर मैं आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। और इससे पहले अगर पहले वाला वीडियोज अगर आपने नहीं देखा तो पहले उनको देख आइए, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको आपने जो है कि क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को आपके सिलेबस में पढ़ना है तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर, एनी ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर्स बिगिनिंग विद द डिजिट, लंबा चौड़ा डेफिनेशन लग रहा है ना, समझिए पहले। एनी ऑफ द डिजिट, कोई भी डिजिट रहे, ऑफ ए नंबर, नंबर के साथ, बिगिनिंग विद द डिजिट, है ना, कोई भी डिजिट अगर स्टार्ट हो रहा है ना, किसके साथ, नंबर ऑफ द डिजिट, डिजिट्स के साथ स्टार्ट, नंबर के साथ स्टार्ट हो, है ना, विद द डिजिट, फार्देस्ट टू द लेफ्ट, उसके बाएं तरफ, डैट इज नॉट जीरो। मतलब सिंपल एक बात करें कि 2 है, 3 है, 0 है, 4 है, ऐसा कुछ। तो देखिए, जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो डिजिट स्टार्ट हो रहा है, इसके बाएं तरफ में कोई भी जीरो नहीं है, इसके बाएं तरफ में कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, ठीक है। नॉट जीरो एंड एंडिंग विद द लास्ट, लास्ट में विद द डिजिट फार्देस्ट टू द राइट, डिजिट के राइट साइड में, है ना, लास्ट का डिजिट 4 है, उसके राइट साइड में, टू द राइट, दैट इज आइदर नॉट जीरो, यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आइदर नॉट जीरो और दैट इज ए जीरो, और जीरो हो भी सकता है, आइदर नॉट जीरो, जीरो नहीं भी हो सकता है, या फिर दैट इज ए जीरो, यहां पर जीरो हो भी सकता है, ठीक है ना, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी एग्जैक्ट, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एग्जैक्ट कंसिडर करेंगे, कॉल्ड ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब लास्ट में जो जीरो आएगा उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, क्राइटेरिया है, ठीक है ना, वो सबको हम लोग पालन करेंगे, ठीक है। तो ये तुम आप लोगों को समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है या सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। तो ये सब मैं बताऊंगा, रूल भी बताऊंगा, हालांकि ये तो मैंने डेफिनेशन दिया सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है, और यहाँ पर आपको आधा अधूरा समझ में आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर का, डेफिनेशन के मदद से इस एग्जांपल को आधा अधूरा समझ में आया होगा, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैं रूल्स टू फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर बताऊंगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, ध्यान दीजिए, राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी जीरोस रहते हैं उसको हम लोग ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। आफ्टर द जीरोस डू नॉट रिक्वायर एनी नॉन जीरो नंबर। देखिए समझिए, पहला राइट ऑफ द डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है, इसके बाद में जो भी जीरो होगा उन जीरोस को ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। डेसिमल नंबर के बाद में जो भी जीरोस होगा ट्रेलिंग जीरोस कहेंगे। तो यहां पर ट्रेलिंग जीरोस कितना, 1, 2, 3, 4, समझ गए ना, ट्रेलिंग जीरोस। यहां पर बात करते हैं आफ्टर द जीरो, जीरो के बाद, आफ्टर द जीरो डू नॉट रिक्वायर एनी नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जीरो है, हाँ सर है, इसके बाद 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं, कुछ भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, नॉन जीरो नंबर नहीं होगा तभी जाके ये जो नॉन जीरो नंबर के बाद अगर जीरो रहे। देखिए, आफ्टर दी जीरोज डू नॉट रिक्वायर एनी नॉन जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन जीरो के बाद ही जीरो होना चाहिए, जीरो भी सिर्फ रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये सब मतलब देखिए, यहां पर जीरो है लेकिन उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसीलिए ट्रेलिंग जीरोस यहां पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेलिंग जीरोस है। तो आशा है ये कांसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, और सिग्निफिकेंट के कांसेप्ट को और अच्छे तरीके से डीपली समझने के लिए हम लोग रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। आइए पहले आप तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, और यहां पर हम लोग रूल्स देखेंगे, ठीक है। रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे ढूंढते हैं इस पर यहां पर हम लोग बात करेंगे। एवरी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वे सारे के सारे सिग्निफिकेंट है।
देखिए एग्जांपल में 75284, इसमें सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो 7 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, 24284 सब के सब नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4 5, तो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब देखिए सैंडविच जीरोस आर सिग्निफिकेंट, सैंडविच सैंडविच खाए है ना, सैंडविच मतलब दो जो है कि ब्रेड होता है, उसके अंदर क्या होता है जो है कि खीरा होता है, जो है कि फिर प्याज होता है और ये टमाटर होता है, तो वो सैंडविच हो रहा है, समझ रहे ना, वो क्या कर रहा है, ये जो मसाला है उसको एक दूसरे पर क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, कौन, ब्रेड स्क्वीज कर रहा है, दोनों मतलब मसाले को क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो जस्ट लाइक यहां पर भी वही हो रहा है, सैंडविच जीरोस आर सिग्निफिकेंट, आप देख रहे हो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, दोनों 4 मिलकर के जीरो को स्क्वीज कर रहा है, दाब रहा है, दैट इज इसी वजह से यहां पर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में गिना जाएगा, काउंट होगा, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया यहां पर, एसएफ कितना हो गया, 1 2 3। इसी प्रकार से यहां पर भी देखिए ये 4 और 3 मिलकर के जीरो को स्क्वीज कर रहा, दाब रहा है, तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 5 होगा 5, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढते हैं। देखिए यहां पर भी 7 और 4 मिलकर के जीरो को दाब रहा है, ठीक है ना, प्रेशर कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 5, यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 5SF हो जाएगा। अच्छा तीसरा, जीरोस डेट ओनली सर्व एज प्लेस होल्डर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अगर जीरो सिर्फ प्लेस होल्डर का रूप या फिर रोल अदा करे, अगर जीरो सिर्फ प्लेस होल्डर का या फिर रोल अदा करे, तो उस केस में जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ट्रीट नहीं करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल 0.0047, ये देख रहे हैं ये प्लेस होल्डर की तरह ट्रीट हो रहा है यहां पर, प्लेस होल्डर, समझ रहे ना, ये बता रहा है कि 4 कौन से प्लेस पर है, 1 2 3 तीसरा प्लेस पर है, ठीक है ना, और इधर से गिनेंगे 1 10 प्लेस पर है, ठीक है ना, और 1 10 100, जीरो कहां पर है, तो 100 प्लेस पर है, 1 10 100 1000 प्लेस पर जीरो है, इसका कोई मतलब निकलता है, जी नहीं निकलता है ना, उसी इसीलिए जो है कि अगर जीरो प्लेस होल्डर के रूप में अगर रहे, तो उस केस में जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ट्रीट नहीं करते हैं, तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 4 और 7, ओनली 2 है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है 0.00000000007, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, देखिए जीरो यहां पर भी प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2050 है, ठीक है ना, देखिए 2050 है, ये क्या है बाबू, ट्रेलिंग जीरो है, क्या है, ट्रेलिंग जीरो है, मतलब देख सकते हैं नंबर के बाद अगर जीरो रहे, मतलब ऐसा समझिए कि जीरो के बाद अगर कोई नॉन जीरो नहीं रहे, जैसे जीरो के बाद यहां पर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यानी कि जीरो यहां पर ट्रेलिंग हो गया, ट्रेलिंग जीरो हो गया, आपको मैंने ट्रेलिंग जीरो का कांसेप्ट अभी भी बताया है, तो अगर ट्रेलिंग जीरो अगर भूल गया है तो बैक कर लीजिए फिर देख लीजिए, अगर यहां पर देखिए ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो जहां पर भी रहे, तो ट्रेलिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो इसी वजह से 2050 ओनली यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जीरो को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर एंड टू द राइट, क्या कहता है, जीरोस एट द एंड, लास्ट में जीरो अगर रहे है ना, एंड टू द राइट, और उसके दाएं तरफ ऑफ ए डेसिमल, क्या बोल रहा है, जीरोस एट द एंड, जीरो अंतिम में रहे, क्या बोल रहा है, जीरो अंतिम में रहे है ना, जीरोज एट द एंड, लास्ट में रहे जीरो ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के है ना लास्ट में रहे, एंड टू द राइट, और उस जीरो के राइट उस जीरो के राइट में है ना ऑफ ए डेसिमल, डेसिमल पॉइंट रहे, आर सिग्निफिकेंट फिगर, तब उसको सिग्निफिकेंट फिगर ट्रीट किया जाएगा, मतलब समझिए ऐसा कुछ। देखिए बाबू 47.30 है, तो जीरो तो यहां पर ट्रेलिंग हो रहा था, लेकिन देखिए यहां पर जीरो ट्रेलिंग नहीं होगा, क्यों, ध्यान दीजिए यहां पर पॉइंट आ गया, पॉइंट, तो जब कहीं भी पॉइंट आ जाए, अब पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए, समझ रहे ना, पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए, तो उस जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रीट करते हैं, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए 3.000000 है, ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यही अगर 0.00000000000003 रहे, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 है ना, क्योंकि
अगर प्लेस होल्डर की तरह जीरो ट्रीट हो जाए तो उस समय उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं, और अगर पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है ना। चलिए, ऐसा है, ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा, रूल्स टू डिटरमाइनिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू डिटरमाइनिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर। और भी मैं एग्जांपल्स दूंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, कितना होगा बाबू इसमें, एक दो तीन चार, ठीक है, इसमें चार होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। यहां पर देखिए कोई पॉइंट फाइंड नहीं है, सीधा जीरो है, तो इसका मतलब ये ट्रेलिंग जीरोस है, इट मींस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो होगा, ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट दो होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, 3.000005, आप लोग पॉज करके बोलिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, पॉइंट के बाद है ना बाबू, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो और साथ में साथ सैंडविच भी है, है ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात एस एफ, ठीक है। ये देखिए बाबू, है ना, ये देखिए ये जीरो पहले है, है ना, ये जीरो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जीरो है, क्या है, पॉइंट के बाद जीरो है, है ना, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो जीरो को भी जोड़ लेंगे, एक दो तीन और चार, चार सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, है ना, चार सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, है ना, कि मैंने क्या कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि डिजिट के बाद अगर जीरो रहे, है ना, डिजिट के बाद अगर जीरो रहे तभी उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ट्रीट करते हैं। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तब यहाँ पर फोर लिख दिए थे गलती से, ठीक है, ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद अगर, देखिए पॉइंट के बाद जीरो है लेकिन कोई नंबर के बाद जीरो होना चाहिए था, है ना, कोई नंबर के बाद जीरो होना चाहिए था, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, तो क्या मैंने बोला कि पॉइंट के बाद अगर नंबर रहे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना, मैं सुधार दिया, पॉइंट के बाद अगर नंबर रहे, क्या मैंने बोला, पॉइंट के बाद, देखिए क्या, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है उसके बाद जीरो है तब उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते साफ साफ कि पॉइंट के बाद जीरो 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 है और सिर्फ फाइव है, ठीक है ना, जीरो 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 सिर्फ फाइव है, तब इसको पूरे को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो गया, सेवन हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें सिर्फ 0.00009 है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के, यहाँ पर देखिए पूरा पूरा जीरो है और ये प्लेस होल्डर जीरो की तरह काम कर रहा है, प्लेस होल्डर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर प्लेस होल्डर जीरो की तरह काम कर रहा था, इसीलिए प्लेस होल्डर जब भी जीरो रहे तब उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, वन। यहाँ पर भी देखिए जीरो, प्लेस होल्डर जीरो है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर वन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2000.000001 आया है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जीरो है और एक नन जीरो भी है, समझिए नन जीरो भी है, तो इसमें टोटल कितना है, देखिए जोड़ करके, ठीक है ना, तो यहां पर पॉइंट के बाद जीरो, आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जीरो है, ठीक है ना, ट्रेलिंग जीरोस नहीं है, पॉइंट के बाद जीरोस है, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, टोटल 21 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, नौ है सब, ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रेलिंग जीरोज आ गई है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है ना, दो सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद नन जीरो है, तो पॉइंट से पहले अगर जीरो रहे तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते, क्योंकि डेट इज प्लेस होल्डर्स, है ना, ये यहाँ पर जीरो प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये दो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या, फाइव फाइव, तो ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गया, ठीक है। आशा है ये सब चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, और भी क्वेश्चंस आप अपने बुक से बनाइए, ठीक है, या फिर क्लास नाइन टेंथ क्लास इलेवेंथ का बुक फिजिक्स का जो है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और जहां कहीं भी प्रॉब्लम है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।